अगर दोस्तों आप हमारे पहली बार इस चैनल पे विजिट हुए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर जानकारी फ्री में आपके पास पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में कि कैसे जो है वो हम लोग हमारे एक इंस्टाग्राम ऐप में काफ़ी सारे अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम ऐप में जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास और बड़ा काम भी जो है वो नहीं करना होता है। इसकी ज़रूरत जो है हमें क्यों पड़ती है बता देते हैं। कई बार तो हम लोग जो है वो किसी बिजनेस का अकाउंट यूज़ करते हैं, चाहे वो हो किसी वेबसाइट का, यूट्यूब चैनल का या फिर किसी स्कूल इंस्टीट्यूट आदि का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में एक मोबाइल फ़ोन होता है एंड्रॉयड, और ऐसे में हम लोग जो है वो काफ़ी सारे अकाउंट्स को जो है वो यूज़ करना चाहते हैं फैमिलीज़ के। तो ऐसे में जो है वो हमें ज़रूरत होती है कि हमारा जो है वो एक इंस्टाग्राम ऐप में काफ़ी सारे अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाए। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे दिया है आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा दीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन भी जो है वो दबा दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करने को कहा जाता है आपको ताकि आपको जो वो इस तरह की और जानकारियां बिना किसी खर्च के आप तक पहुंचती रहे। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे जो वो हम लोग एक इंस्टाग्राम में काफी सारे अकाउंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे हमारे इंस्टाग्राम ऐप को। वहां पर जो वो हमारे सामने ऑप्शन होता है एक ह्यूमन आइकन का, जैसा कि आपको बिल्कुल सामने दिखाई जा रहा है, वो होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में। उसको जो है हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसको क्लिक करने के बाद ऊपर ही ऊपर तीन डॉट्स दिखाई जाती है राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, उनको जो है वो हम लोग क्लिक कर देते हैं ऑप्शंस के लिए और वहां पर बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल नीचे ही जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का, लॉगआउट के बिल्कुल ऊपर एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन जो है वो हमें मिलने वाला है। हम लोग क्लिक कर लेंगे ऐड अकाउंट के ऑप्शन पे और वहां पर हमसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड के बारे में। तो जहां पर हमारा मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल एड्रेस हो, जो मर्जी जो है वो हम लोग यहां पर है हमारा अकाउंट का, वो जो है वो डाल सकते हैं और डालने के बाद हमें पासवर्ड जो है वो यहां पर एंटर कर लेना है। तो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद क्लिक कर देते हैं लॉगिन बटन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे लॉगिन बटन पे, हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल आसानी से जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों, हम लोग काफी सारे अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें जो वो दूसरे अकाउंट पे विजिट करने के लिए जस्ट हमें कुछ खास नहीं करना, ऊपर बिल्कुल ऑप्शन दिया होगा आपको, उसको जो है वो आपको क्लिक कर लेना है जो कि होगा आपके यूजर नेम के नाम से, और वहां पर आपको एक एरो आइकन दिखाई देगा। उस एरो आइकन को दबा करके आप दूसरे अकाउंट पे जो है वो जंप कर सकते हैं आसानी से। तो जैसा हम बिल्कुल आपको सामने दिखा रहे हैं, बिल्कुल हमने दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है और यहां पर जब वो दोनों अकाउंट एक साथ दिखाएंगे बिल्कुल एरो के साथ, और उसको जब हम लोग दूसरे अकाउंट पे जब वो उसको ओके करके जो है वो जंप कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जान पाए होंगे कि कैसे जो है वो हम लोग एक इंस्टाग्राम ऐप में एक से ज्यादा अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप ज्यादा अकाउंट ऐड करने के लिए दोबारा से ऑप्शन बटन में जाने के बाद और अकाउंट्स की जानकारी के लिए जो वो ऐड अकाउंट पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। यहां पर उम्मीद है 5 से ज्यादा अकाउंट जो है आप लिंक या ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी अपने उन दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा जो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।